महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के अंडर 21 प्रतिस्पर्धा में लड़कियों के कबड्डी मुकाबले में हिमाचल की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अंतिम मुकाबले में हिमाचल ने हरियाणा को 30-27 से हराया। इस टीम में 6 खिलाड़ी राज्य खेल छात्रावास बिलासपुर, 3 खिलाड़ी साई एक्सटेंशन सेंटर सीढ़ा और 3 खिलाड़ी एसटीसी धर्मशाला से शामिल रही। टीम की कप्तानी का जिम्मा भी बिलासपुर राज्य खेल छात्रावास के खिलाड़ी सुषमा को सौंपा गया था, जिनकी शानदार कप्तानी और खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के बदौलत टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इन खिलाड़ियों में कप्तान सुषमा, अंजू, अंकिता, डिंपल, स्वीटी, साक्षी, भावना, रीना, उषा ठाकुर और पुष्पा, मनीषा और गोपी शामिल रही। वहीं हिमाचल की टीम की शानदार जीत पर टीम को बधाइयों का तांता शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक टीम वापस नहीं लौटी है, लेकिन टीम के शानदार स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिला बिलासपुर में 21 जनवरी को खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव रतन लाल ठाकुर ने बताया कि कबड्डी की महिला खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता है। इसके लिए हिमाचल सरकार, हिमाचल खेल विभाग सहित हिमाचल वासियों को बधाई देता हूं। साथ ही प्रदेश में शारीरिक जगत में कार्य कर रहे पीटीआई, डीपी और प्रशिक्षकों को भी इसके लिए बधाई देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से ही महिला खिलाड़ियों ने कबड्डी के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कबड्डी की महिला खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार, हिमाचल खेल विभाग, समस्त हिमाचल वासियों को बधाई देता हूं और साथ ही हिमाचल प्रदेश में शारीरिक जगत में कार्य कर रहे पीटीज, डीपीज और प्रशिक्षण को इसकी बधाई देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से आज हिमाचल ने पूरे भारत में अपना लोहा मनाया है। कबड्डी के क्षेत्र में जो हमारी ये टीम थी, इसमें सुषमा राज्य खेल छात्रावास की खिलाड़ी जिसने टीम का नेतृत्व किया, साक्षी स्वीटी, डिंपल और अंजू राज्य खेल छात्रावास बिलासपुर की खिलाड़ी थी, और एसटीसी धर्मशाला से मनीषा, पुष्पा ठाकुर और गोपी, और साई एक्सटेंशन सेंटर सीढ़ा से भावना, रीना और उषा ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं खिलाड़ियों को और हिमाचल प्रदेश वासियों। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी श्यामलाल कौंडल ने कहा कि खेलो इंडिया में गई प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसके लिए खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और साथ ही सरकार को भी बधाई देता हूं। बिलासपुर में खुले स्पोर्ट्स हॉस्टल से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं। इस महिला कबड्डी टीम में भी 6 खिलाड़ी इसी हॉस्टल से निकली हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी खिलाड़ी ऐसा ही उम्दा प्रदर्शन करती रहेंगी। हमें हमारी जो लड़कियां टीम गई थी खेलो इंडिया में, उसमें उनका गोल्ड मेडल आया है। मैं बधाई देता हूं उनको और सरकार को भी, हिमाचल सरकार को भी बधाई देता हूं और अपने स्पोर्ट्स विभाग को भी बधाई देता हूं, जिनके कारण हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल यहाँ पर खुला है। इससे काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं और 6 लड़कियाँ हमारी स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर की हैं। तो इन लड़कियों को मैं बहुत बधाई देता हूं और सबको शुभकामनाएं, आने वाले टाइम में भी ऐसा ही प्रदर्शन करें और हिमाचल का नाम ऊंचा करें और हिंदुस्तान का नाम भी ऊंचा करें। के चैनल के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।